स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस गायिका पावनी पांडे, जो कि श्रीगंगानगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। सारेगामा पा लिटिल चैंप्स 2017 में फीमेल सिंगर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। तो आइए जानते हैं हम उनसे उनके बारे में कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की और किन किन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया इस इंडस्ट्री में। पावनी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप श्रीगंगानगर से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप श्रीगंगानगर से जुड़ी हैं और आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और किन किन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं श्रीगंगानगर से जुड़ी हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा जन्म यहीं हुआ है और मेरे दादा दादी यहीं रहते हैं, कई सालों से यहीं रहते हैं। एडवोकेट मंजू पांडे एंड डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे मेरे दादा दादी हैं और इस तरह से मेरा जुड़ाव जो है श्रीगंगानगर से रहा है और बचपन से लेके आज तक जब भी कभी भी छुट्टियों में आना जाना तो लगा ही रहता था, तो श्रीगंगानगर तो घर ही है। और मैं जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे मम्मी पापा जयपुर में रहते थे। अच्छा। और बचपन से ही घर में म्यूज़िक का काफ़ी अच्छा माहौल था, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, पापा को भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो मीन्स आपको ये बाय बर्थ ही मिला है प्रॉब्ली शायद क्योंकि बचपन से ही मैं क्योंकि गाना बजाना देखा है आसपास तो मैं गाने में ही थी और मुझसे गाने ही गवाए जाते थे कि नहीं बड़ा अच्छा गाती है, बड़ा सुर में गाती है, तो ठीक है। तो इसलिए सभी कहते हैं कि अगर आपने बचपन में कुछ बोला होगा तो सारेगामा पा से ही पता नहीं, मम्मी कहती है कि बोलना नहीं जानती थी तब से गाना गाती है, तो शायद भगवान की देन है और कुछ खून में भी है। तो यूं ही बचपन में जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो एज चाइल्ड आर्टिस्ट मैं स्टेज शोज करती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो जयपुर में ही करते थे आप? जी हाँ, मैं जयपुर में ही करती थी। कोई भी जयपुर में सपोज कोई बड़ा आर्टिस्ट आया तो उनका शो शुरू होने के पहले जो 5 मिनट होते हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, तो वो कोई बच्चा है चलो ठीक है हमारे पास पावनी है बड़ा अच्छा गाती है, तो ऐसे मैंने अपनी करियर की शुरुआत की बचपन से ही, जब आप जानती भी नहीं थी करियर होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बस शौक था इसलिए करते थे। धीरे 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 ये जो शौक था ये पैशन में बदल गया, कब बदला पता ही नहीं चला। और तकरीबन 9 साल की उम्र में मैंने अपने पापा से कहा कि सिंगर बनना है। अच्छा। स्टेज पे ही गाना सडन माइंड में आ गया कि सिंगर बनना है। सडन नहीं, मतलब बहुत ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस था, शायद बचपन से ही माइंड में होगा, मन में होगा, लेकिन पता नहीं था कि इसको कहते क्या है। यू नो कभी छोटा बच्चा होता है तो उसको पेंटिंग करने में बड़ा मजा आता है लेकिन वो पेंटर बन सकता है या आगे जाके उसे पेंटर बनना है ये समझ नहीं होती, पता ही नहीं होता कि इस चीज को कहते क्या है। तो मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं थे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन जब मुझे समझ आया कि ये करना है तब मैंने देर नहीं लगाई, मैंने पापा को बता दिया कि मुझे तो ये करना है और मुझे म्यूजिक सीखना है। तो पापा ने सोचा कि अब अगर तुम्हें म्यूजिक सीखना है तो जयपुर में, उस वक्त आज से मैं बात कर रही हूँ आज से 16-17 साल पुरानी बात है, उस वक्त प्रोफेशनल लेवल के टीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तब आप कौन से स्टैंडर्ड में थी? जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी और उस वक्त यू नो क्योंकि अब अगर प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो उस तरह की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नॉर्मल एक बच्चे को एक शौक है वो एक अलग है, लेकिन अगर कोई बच्चा आके कहता है कि नहीं मुझे तो यही करना है तो जरूरी है कि आप बचपन से उसी तरह के तो उसी तरह से उसे तालीम दें। तो मेरे फादर ने सोचा कि अब जो ये जो प्रोफेशनल तालीम है ये तो बॉम्बे में ही मिलेगी क्योंकि वहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, तो उन्होंने बस डिसाइड किया कि ठीक है तुम्हें म्यूजिक में करना है कोई बात नहीं हम बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो मेरे पापा मम्मी मेरी छोटी बहन हम एज पूरी फैमिली हम उठ के बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आपके एक शौक के लिए सब लोग, मतलब आप सोच सकते हैं 9 साल के बच्चे ने आके कहा कि अच्छा पापा पापा मुझे सिंगर बनना है, पापा ने कहा ठीक है बेटा, अगले दिन गए बिजनेस वाइंड अप किया चलो बॉम्बे। आई नो ऐसे पापा भगवान करे सभी को मिले, और ऐसे पापा ही क्यों, मेरे ख्याल से मेरे पापा इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन ले नहीं पाते अगर उनके पीछे उनके माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि अगर एज अ पेरेंट आप एक डिसीजन लेते हैं क्योंकि एक अनजान शहर में जाना जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता ही नहीं आप जाके करेंगे क्या, उस समय पे आपके पीछे से अगर आपके माँ बाप साथ में खड़े सपोर्ट करे तो। मेरे दादा दादी जो थे, मेरे दादा दादी ने कहा कि कोई बात नहीं तुम जाओ हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे, एक बैक सपोर्ट। बिल्कुल। तो ये जो एक सपोर्ट जो था ये ना ही मेरे पेरेंट्स का था बट पीछे तक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी था, तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ जी।
अब इन दिनों अभी आपने बहुत सारे फेमस सॉन्ग भी किए, तो सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा रहा है? अभी तो मेरा सबसे फेमस सॉन्ग लैला मैं लैला है फ्रॉम द फिल्म रईस, फिर स्वीटी तेरा ड्रामा बरेली की बर्फी का, और फिलौरी फिल्म में भी मैंने गाया था। तो ये दो तीन गाने हैं जो काफी चल पड़े हैं। ऐसे गाए तो मैंने बहुत हैं, बट दो तीन गाने हैं जो लाखों लाखों तक पहुंचे। तो एक थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे जो भी आप क्या सुनेंगे क्या सुनेंगे अच्छा ना लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं मजनू बना दूं ऐसी मैं लैला। बहुत अच्छा गाया, अभी सामने से सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो अभी इन दिनों आप कहाँ पे फेमस हैं, मींस किस में काम कर रही हैं? जैसे अभी आप सॉन्ग्स का है तो अभी इन दिनों रिसेंटली आपने कौन से सॉन्ग में किया है? मैं अभी काफ़ी मैं अभी जो हिंदी जो फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं जो फिल्म्स हैं उसमें तो मैं गाती ही रहती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आजकल सिंगर्स को फिल्म के नाम नहीं बताए जाते। जैसे जब मैंने रईस अच्छा, में गाया था मैंने लैला मैं लैला गाया था लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि ये रईस फिल्म के लिए है। ये जब रिलीज हुआ उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा, अच्छा ओ इतना बड़ा गाना, उसके पहले कुछ आइडिया ही नहीं था कि अच्छा हाँ ठीक है कुछ तो भी गा के आए हैं। तो ये यूजुअली ये पैटर्न हमारी लाइफ का ये रहता है कि हमें म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं, हम गाना गाते हैं, हमको लेकिन उतना डिटेल नहीं बताई जाती कि ये कौन सी पिक्चर का है या क्या है। बट तो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स तो चलती ही रहती हैं। अदर देन दैट मैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे भी काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने अब खुद मैंने अपने गाने लिखने स्टार्ट किए हैं। एंड आई थिंक इस साल में दो तीन अच्छे गाने बाहर आएंगे। आई विश, आई होप। अभी ये है कि अब थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि जब आप मुंबई गए जी तो आपको वहाँ पे किसी ने सपोर्ट किया? मैंने सुना कि आपकी बुआ फुफा जी हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, तो उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? तो जब हम मुंबई शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त मेरी बुआ और फूफा जी वहाँ रह रहे थे। मेरे फूफा जी भी सिंगर हैं, काफ़ी जाने माने सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उद्भव ओझा उनका नाम है। और तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी। इनफैक्ट मेरे जो फर्स्ट म्यूजिक टीचर थे वहाँ मुंबई में गौतम मुखर्जी, उन तक हमें मेरे फूफा जी ने ही पहुँचाया था और उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप इनके यहाँ जाके सीखें। तो नॉर्मली जो शुरुआत में जो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक फिल्म गाइडेंस की ज़रूरत होती है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ना हमको तो कुछ भी नहीं पता था, मेरे सडनली जयपुर बिल्कुल, तो मेरे फूफा जी ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में थे तो थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मुझे उनसे मिलती रहती थी, आज भी मिलती है। तो उनका इनिशियल जो सपोर्ट था वो मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है, क्योंकि इनिशियली अगर आपको कोई हेल्प कर देता है तो वो इनिशियल जो पुश होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो ठीक है, तो फिर मोमेंट को पकड़ लेती है, बट बैक सपोर्ट खड़ी गाड़ी को धक्का देना सबसे ज्यादा मुश्किल होता रहता है। तो अभी हमने ये भी सुना कि भाई आप एक्टिंग भी करती हैं। अरे बाप रे, ये कहाँ सुना आपने? हाँ, मुझे पता चला कि मैं कोई एक्टिंग नहीं करती। नहीं, मैं बिल्कुल, तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। नहीं मतलब हाँ, मुझसे ये लोग पूछते बहुत हैं कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हैं। करना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। मैं अपने आप को इतना बड़ा टैलेंटेड इंसान नहीं मानती हूँ अभी तक, पर मतलब एक्टिंग में अभी तक मेरा ऐसा कुछ रुझान नहीं गया है। कभी कल को जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर कोई आता है, कोई मेरा खुद का सिंगल आता है, उसमें मैं खुद अपने आप फीचर डेफिनेटली होना चाहूंगी, बट मेन स्ट्रीम एक्टिंग तो बहुत, वो एक बहुत ही अलग दुनिया है। अभी ये है कि आपका ड्रीम्स क्या है? एक होता है ना कि एक हमारा एम है, हमें यहाँ तक जाना है, वैसे तो एम की एक मिल जाता है तो हमें उससे और ऊपर जाना ही रहता है ना। बिल्कुल। तो अभी तक आपका क्या ड्रीम्स है, क्या एम है? सबसे जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा एम था कि मैं हिंदी फिल्मों में गाऊँ। हिंदी फिल्मों में जब मैं गाने लगी फिर मेरा एम आया कि अच्छा अब मैं ना मुझे इस एक्ट्रेस के लिए गाना है, मुझे कैटरीना कैफ के लिए गाना है, कैटरीना कैफ के लिए गा दिया। फिर एक एम आया कि मुझे माधुरी दीक्षित के लिए गाना है। तो इस दौरान मेरा सबसे बड़ा एम था कि यार मैं एक बार मैं शाहरुख खान की फिल्म में गाना गा दूँ। मैं क्योंकि बचपन से मैं बहुत बड़ी फैन एज मतलब हिंदुस्तान में आई थिंक सारी लड़कियाँ शाहरुख खान
की मतलब दीवानी है, उनकी अदाओं की कायल है, मैं उनमें से एक ही हूँ. तो ये मेरा एक एम था लाइफ में कि मैं उनकी फिल्म में एक गाना गा दूँ. एंड अब क्योंकि अब मैंने उनकी फिल्म में गाना गा दिया, तो अब जैसे आपने कहा कि अब एक नेक्स्ट एम, नेक्स्ट एम ये है कि मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीतना चाहती हूँ, और उसके आगे भी बढ़ के मैं ग्रैमी अवार्ड जीतना चाहती हूँ. मैं, मेरा ड्रीम है कि मैं अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे मैं रिप्रेजेंट करूँ, और अपने शहर का, अपने देश का मैं नाम रोशन करूँ. थैंक यू. और अब ये बताइए कि आपने कोई प्रॉब्लम फेस की कभी इस इंडस्ट्री में? जैसे आपको ठीक है सपोर्ट मिल जाता है, सबको मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक लेवल आता है, भले ही कितना ज्यादा सपोर्ट हो, लेकिन आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो खुद को ही फेस करना है, खुद को ही सॉर्ट आउट करना है. बिल्कुल. ऐसा कभी ऐसे एक्चुअली मैं बहुत टचवुड में बहुत लकी रही हूँ कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की, क्योंकि हम इतना हम सुनते हैं इंडस्ट्री के बारे में, बहुत किस्से सुनते हैं. जैसे अभी मीटू मूवमेंट हुआ था, ऐसे ऐसे किस्से बाहर आए थे कि ओहो, मतलब दिल दहल जाता था सुन के कि अरे बाप रे, ऐसा भी होता है. तो ऐसा मैंने सुना है, एंड मतलब अपनी आंखों से तो नहीं देखा, बट मैंने सुना बहुत है. बट भगवान की मुझ पर कृपा है कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने दूसरी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जैसे कि मैं गाना गाती थी तो मेरा गाना कोई और सिंगर आके डब कर देता था. तो ये बड़ी मेरे साथ शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी कि मतलब मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कहते कि अरे यार, इसका तो नाम भी नहीं है, कौन है ये, क्या है ये. तो नहीं नहीं नहीं, हमको तो बड़ा सिंगर चाहिए. तो बड़े सिंगर आते आके वही सेम चीज़ गा के जाते थे जो मैंने गाई है. बट अब क्योंकि उनका नाम बड़ा है, तो ये मैंने प्रॉब्लम बड़ी फेस की थी. मेरी आवाज़ को लेके मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि यार इसकी आवाज़ बहुत सुनीदी से बहुत मिलती है. तो ये मैंने जो, तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने इंटरनली काफ़ी फेस की हैं, मेरे अपने गाने को लेके, मेरे अपने स्ट्रगल को लेके, हार्डवर्क को लेके. एक्सटर्नली मैंने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की कि अरे किसी ने मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, कभी भी नहीं, कभी नहीं. मतलब अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं हमेशा, मेरे पापा मेरे साथ में रहते थे, तो क्योंकि सामने वाले को भी देख के समझ में आ जाता है कि नहीं, ये लड़की के साथ इसके फादर होते हैं और ये प्रोटेक्टेड एक है. और यूजुअली क्या होता है कि अगर सामने वाले को ये दिख जाता है कि एक प्रोटेक्टेड घर से है, तो वो बैकअप कर देते हैं. तो ये मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत मेजर कुछ नहीं था. ठीक है, छोटी मोटी तो सबको फेस करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए. हाँ, होती है, लाइफ का एक पार्ट है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए. अच्छा, तो अभी तक जो भी आप, जितने भी आपने सॉन्ग्स गाए हैं, तो उनमें आपका फेवरेट कौन सा है? जितने मैंने गाए हैं, आई थिंक मेरा जितने भी मैंने अभी तक गाए हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन गाने हैं, बट एक गाना मैंने फेवरेट एक होता है दिल की करी अरे बाप रे. मैंने एक फिलौरी फिल्म में गाना गाया था, साहिबा. वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कॉम्पोजिशन बहुत पसंद है वो. तो वो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग. एंड ऑफकोर्स लैला तो खैर है ही, फिलौरी का सॉन्ग, बट फिलौरी का मुझे अच्छा लगता है. तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा, यूं ही रोज ये उधड़ा बुना, किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा. साहिबा साहिबा चलवा गंगानगर से आपकी बचपन की कुछ यादें जुड़ी होंगी, उन यादों को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए. अरे बहुत यादें हैं, सारी मेरी गर्मी की छुट्टियां यहीं पे बीती हैं गंगानगर की. गर्मी से मैं बहुत, गर्मी सर्दी हर वेदर से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ. और काफ़ी फेमस है सर्दी और गर्मी के, बिल्कुल. और मतलब मेरा जो सारा का सारा बचपन यहीं बीता है,
और मेरे दादा दादी यहीं पे हैं। मेरी दादी क्रिमिनल लॉयर हैं मंजू पांडे जी, और मेरे दादाजी लेट डॉक्टर श्री सच्चिदानंद पांडे जी, वो प्रोफेसर थे इंग्लिश के। तो मुझे याद है कि हम जब छोटे छोटे थे, मैं, मेरी बहन और मेरी बुआ, फूफा जी के भी बच्चे, हम सब साथ में आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर एक वो समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं, अमृत मिष्ठान, अमृत मिष्ठान के हम समोसे बड़े खाया करते थे। तो मतलब हमारा एक रूटीन होता था कि हर शाम को मेरे दादाजी और मैं, हम उनकी स्कूटी पर बैठ के हम जाते थे और अमृत मिष्ठान से जाके समोसे लेके आते थे। और उस टाइम ये ट्रेंड था कि आप डीवीडीज रेंट करके फिल्म देख सकते थे। कितनी मतलब एक एक दिन में चार चार पांच पांच फिल्में रेंट करके, बिल्कुल हम लाके देखते रहते। सारे बच्चे से लाइन से बैठे हैं और यूं ऐसे करके यूं मूवीज देख रहे हैं। और पोल का पेस्ट्री शॉप मुझे पर्सनली बड़ी पसंद थी। बहुत सारी यादें हैं, दिन दिन भर धूप में यहाँ पर कितना खेला है, फिर बीमार भी पड़े हैं, लू लग गई, गर्मी लग गई, बट ठीक है, बट बड़ा मजेदार बचपन मेरा बीता है। तो अभी आप काफी टाइम बाद आई हैं, तो फिर गई आप अमृत मिष्ठान भंडार पे? हाँ बिल्कुल, मैं गई थी ना, मैं कल ही गई थी, मैंने कल ही समोसा खाया वहाँ का। आप बोला मैं छोटी थी तो मैं आती थी, बिल्कुल बहुत पहचान गए मुझे, मतलब बहुत, ये बड़ी प्यारी बात है शहर की और शहर के लोगों की कि इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल पहचान जाते। मतलब मैं 6 साल बाद आई हूँ वापस और उसके बावजूद लोगों में इतना प्यार है और बिल्कुल ऐसे देख के पहचान जाते हैं। अरे और सब मुझे घर के नाम से ही बुलाते हैं, छुनकी मुझे कहते हैं, तो सब घर के नाम से ही जानते हैं। तो कहीं कहीं मैं जाती हूँ, अरे अरे छुनकी बेटा आ गई, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि आपके बचपन के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी छोटे छोटे शहरों से बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, तो ऐसे गर्ल्स को आप क्या, किस तरह से गाइडेंस करना चाहिए? आई थिंक कि सबसे पहले तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप पैशनेट हैं, तो आजकल इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं कि आप अपना टैलेंट बाहर दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक मैं बस एक ही मैसेज दूंगी कि अगर किसी भी रीजन से, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग होती है, किसी के पेरेंट्स की लिमिटेशंस हैं, किसी की फाइनेंशियल लिमिटेशन है, कुछ और प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पापा मेरे लिए कर पाए तो शायद सबके पापा सबके लिए कर पाए। हालांकि हर पेरेंट कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करे, पर वो अपनी जिसको कहते हैं ना, अपने दायरे में रह के बेस्ट कर पाते हैं। हर एक का अपना अपना एक दायरा होता है, लेकिन एज बच्चा जो भी है, एज इंडिविजुअल्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हमारे बड़ों के दायरों को समझें और उनमें रह के हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम कर पाएं। तो अगर कोई भी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टैलेंटेड लड़की है जो गाना गाना चाहती है, सिंगर बनना चाहती है, किसी भी तरह से, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, मतलब गाना ही क्यों, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी है, आप अपने वीडियोज बनाइए, यूट्यूब चैनल खोलिए, मतलब दुनिया आपके हाथ में है। आपको बिल्कुल भी, आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं, कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आपको उठ के बॉम्बे ही जाना है, आपको उठ के दिल्ली ही जाना है। आप अपने घर में, एक अपने बेडरूम में आप बैठ के एक सेटअप बना सकते हैं। आप एक बस कुछ भी, आप पियानो बजाते हो, गिटार बजाते हो, या कुछ ना भी बजाते हो, तो भी सिर्फ एक फोन लीजिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए, दैट्स इट, फेमस हो जाएंगे। हाँ, अगर आप में टैलेंट होगा तो क्यों नहीं, डेफिनेटली। और आजकल तो इतनी इतने हम किस्से सुनते हैं कि इस म्यूजिक डायरेक्टर ने उस कुत्ते से, छोटे से गांव से इस बच्चे को उठाया और उसको यू नो फिल्म में लगा दिया, प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल ऐसा होता है, और लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उस लिमिटेशन के ऊपर रोने की बजाय, दुखी होने की बजाय, उस सिचुएशन में रहकर बेस्ट करने की कोशिश करें। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड दैट यू शुड हैव। अच्छा, अभी एक और चीज, आपने बोला कि आपके फेमस एक्टर शाहरुख खान है, नॉर्मल सब लड़कियों के जी, तो आप उनसे मिली जब आपका रईस फिल्म रिलीज हुआ था और आपका सॉन्ग भी था उसमें, तो आप उनसे मिली, आपको उन्होंने क्या बोला, कैसा कुछ बताइए। तो जब मेरा गाना रिलीज हुआ, तो जैसे ही मेरा गाना रिलीज हुआ, तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरी दो बचपन की फ्रेंड्स हैं, और हम तीनों को, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को ऑफिशियली एक फैन क्लब बना देना चाहिए, SRK फैन क्लब। हम तीनों शाहरुख खान के लिए पागल हैं। तो जैसे ही मेरा गाना रिलीज हुआ, उन दोनों ने कहना शुरू कर दिया कि देखना, अभी देख शाहरुख खान है ना, तेरे लिए ट्वीट करेगा, शाहरुख खान ट्वीट करेगा। मैंने बोला तू पागल है क्या, मतलब जैसे हम दोस्तों में बैठ गए ना, तू पागल हो गया, शाहरुख खान कहाँ मेरे लिए ट्वीट करेगा, उसको कोई काम धंधा नहीं है, नहीं नहीं करेगा। तो गाना जब रिलीज हुआ, उसके 2-3 दिन बाद, सुबह सुबह मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे की बात है,
एकदम से मेरे फोन में टिडिंग ऐसी नोटिफिकेशन आई, आई एम एस आर के ट्वीटेड. मेरे हाथ से बस फोन ही नहीं छूटा. मेरा मतलब मेरी हार्ट बीट को पता नहीं क्या हो गया. एंड वो जो ट्वीट मैंने जब पढ़ा, मैंने तो 50 बार उसको देखा कि ये सच में शाहरुख खान का ही, मतलब सच में शाहरुख खान का ही अकाउंट है ना. नहीं तो बहुत सारे फैंस भी होते हैं जो उनके नाम से खोल के रखते हैं, बट नहीं वो सच में शाहरुख खान का ही था. और फिर उसके 2-3 दिन बाद हमारी सक्सेस पार्टी थी, तो उसमें मैं होप कर रही थी कि मुझे एक मिलने का चांस मिल जाए. तो जैसे ही हम पार्टी में गए, मैं और मेरे पापा हम साथ में गए, और मैंने देखा सामने साक्षात ऐसे, मतलब मेरे लिए तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में इतने सारी चीजें चल रही थी. मैं बिल्कुल मैं ऐसे शॉक्ड और मैं स्टैचू बन चुकी थी मैं उनके सामने. उसके बाद मैं उनसे मिली, उनको जो हमारे जो एक जानकार थे उन्होंने मिलवाया. उन्होंने कहा कि शी इज़ द गर्ल हु हैज़ संग लैला. एंड वो मुझसे इतने प्यार से मिले, उन्होंने मुझे इतना प्यार, आदर, सम्मान, ये उनका इतना बड़प्पन था कि ही मेड मी फील कि मेरी वजह से उनका गाना बहुत बड़ा है. ये उनका इतना बड़ा उनका मतलब शाहरुख खान जाने जाते हैं उनके बड़प्पन के लिए और उनकी ह्यूमिलिटी के लिए. और ये साक्षात मैंने फील किया कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सुपरस्टार एक नई सिंगर को इतना अच्छा और बड़ा फील करवा रहा है. तो मैं मतलब मैं वैसे तो फैन हुई, बट ये जब मैंने उनका एक बर्ताव देखा, मेरे अंदर उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई. एंड जब उन्होंने मुझे गले लगाया, बस मैं मतलब एक ही चीज प्रे कर रही थी, फ्रीज नहीं हुई थी. उन्होंने मुझे गले लगाया, मैं बस एक ही चीज प्रे कर रही थी, भगवान बस मुझे यही बेहोश कर दे, मुझे बेहोश कर दे. मतलब अगर बेहोश हो भी, कल को कहने को तो होना कि यार शाहरुख खान की बाहों में बेहोश हुए थे, इधर उधर गिरे नहीं हम लोग, बेहोश हुए शाहरुख खान ने हमको पकड़ लिया, कहने को तो होना चाहिए. पर मतलब ऑन द होल वो जो एंटायर जो एक्सपीरियंस था उनसे मिलने का, वो मुझे मैंने उनसे इतना सीखा और मेरा ऑब्वियसली मेरा सपना भी पूरा हुआ कि मैं उनसे मिली. चलिए, ये आपकी जो भी एक्सपीरियंस है हमने सुने, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए. थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आई और गंगानगर के लोगों को नहीं, सभी लोगों को आपने अपने जो भी लाइफ के स्ट्रगल थे या आपने जिस तरह से भी काम किया वो सारे हमारे दर्शकों के साथ साझा किया. थैंक यू सो मच. अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर.